समाजवादी कुनबे में मचा घमासान अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव परिवार में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुनबे में संकट अब भी बरकरार है। आईबीएन 7 से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो 3 नवंबर से शुरू हो रही अपनी यात्रा पर फोकस करने वाले हैं। कब थमेगी कुनबे में कलह? संकट से उबरेगा यूपी का समाजवाद? समाजवाद या संग्रामवाद? समाजवादी कुनबे में जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। आईबीएन 7 से बात करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा पूरा ध्यान 3 नवंबर से शुरू हो रही रथ यात्रा पर है। मैं चुनाव में जाति की जगह विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। मंगलवार को अखिलेश यादव के आवास पर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। वो अपनी यात्रा पर भले ही खुद को फोकस करने की बात कर रहे हों, लेकिन परिवार में संकट बना हुआ है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह ने परिवार में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरे कार्यकर्ता पूरे नेता एक है। मुलायम सिंह भले ही अब परिवार में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हों, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सब कुछ ठीक नजर नहीं आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश सरकार से बर्खास्त किए गए चारों मंत्री मौजूद थे, लेकिन खुद अखिलेश नजर नहीं आए। मुलायम का दावा खोखला साबित हुआ। पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद वो ये नहीं बता पाए कि इन चारों बर्खास्त मंत्रियों की वापसी कब होगी। मुलायम ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री इसे सुन रहे हैं और ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। जब मुलायम से पार्टी के चुनावी चेहरे और अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो वो खुलकर अखिलेश के साथ नहीं दिखे। अगर विधायक चुने जाते हैं, सब में ये परंपरा है, तो सभी पार्टियां लेती है, तो परंपरा है। यही नहीं, अंदर नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो बाहर अखिलेश समर्थकों की भीड़ नारेबाजी कर रही थी। अखिलेश पर नेताओं के गोलमोल जवाब से मुख्यमंत्री समर्थक हंगामे पर उतर आए। पार्टी मुख्यालय पहुंचने से पहले मुलायम अखिलेश और शिवपाल के साथ बैठक कर चुके थे। सूत्रों की माने तो अमर सिंह के मुद्दे पर दोनों गुटों के अड़ियल रुख से समझौते का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। बहरहाल 3 नवंबर से अखिलेश यादव का चुनावी रथ लखनऊ कानपुर रूट से निकलने वाला है, लेकिन पारिवारिक कुनबे में जारी इस महासंकट के बीच क्या वो पार्टी की चुनावी नया पार लगा पाएंगे या नहीं, ये अभी एक बड़ा सवाल है।